और आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं कार्यक्रम चुनावी सुनामी में। जैसा कि दिल्ली में आज चुनाव प्रचार आखिरी दौर में पहुंच चुका है, शाम 5 बजे के बाद घमासान प्रचार का शांत होने जा रहा है। आज हम लोग त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव चिन्ह गैस है इनका, कविता रानी सिंह। हम लोग इनसे एक अपील लेंगे और जानना चाहेंगे इस समय परिवर्तन की लहर त्रिलोकपुरी में कैसी चल रही है। मैडम, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सर्वप्रथम बहुत नमस्कार। हम लोग जानना चाहते हैं कविता रानी जी, इस समय आपके त्रिलोकपुरी में बदलाव की लहर कितनी चल रही है, आपके पक्ष में वोटर्स कितने लामबंद हो चुके हैं जी? मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मुझे मिला है आश्वासन ही मिला है अभी तक, क्योंकि जनता सभी पार्टियों से तंग आ चुकी है। बिल्कुल। और जनता ने मुझे विश्वास भी दिलाया है और वादा भी किया है कि मैं, हम सब आपके साथी हैं जी। और आप एक ऐसी मतलब निस्वार्थ औरत हैं जो देश के समाज के लिए अपना काम करती हैं जी। मैम, हमारे दर्शकों को आपके द्वारा ये बताया जाए, यदि यहाँ से आप विधायक बनती हैं तो आप यहाँ के कौन से विकास कार्य जो पूर्व विधायक नहीं कर रहे हैं जिसे आप करना पसंद करती हैं? मैं तो समाज के लिए ही खड़ी हूँ, अपने क्षेत्र के लिए ही खड़ी हूँ, विकास के लिए ही खड़ी हूँ। और मेरा ये एक शपथ पत्र भी मैंने दिया है कि मैं सरकार का एक रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं करूँगी, अपने क्षेत्र में एक नया विकास हो सके जी। और निर्दलीय के रूप में आप यहाँ पे लोगों के आश्वासन पे आश्वस्त होकर आप चुनावी मैदान में हैं जी। जी, जीत जाने के बाद त्रिलोकपुरी के जो कार्य नहीं हुए हैं उसे आप करवाएंगे, उसे हम करके दिखाएंगे। आपके त्रिलोकपुरी में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन की संख्याओं में काफी वृद्धि है, लेकिन सरकार दी नहीं, दे नहीं इसके रही लिए है। आप क्या करोगे? आप लड़ाई लड़ेंगे? आप बात नहीं, हम इसके लिए हमने एक अपनी पहली लिस्ट बना रखी है कि हम जीते या ना जीते, लेकिन हमें अपना काम करना ही है। जो हमारे हक की लड़ाई है वो हमें लेके रहनी है, क्योंकि लड़ेंगे जभी तो जीतेंगे। ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो नेता आप पार्टी वाले अपने आते रहेंगे, अपना घर भरते रहेंगे जी जी। अब हमारा विकास कैसे होगा ये बताइए? जब एक महिला अपना घर संभाल सकती है तो क्या अपने क्षेत्र नहीं संभाल सकती कम बजट में? बिल्कुल। भारी व्यस्तता के बीच में आपने मीडिया नहीं सुबह का टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपसे हम लोग एक अपील करवाना चाह रहे हैं जी। आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहती हैं? 8 तारीख को यहाँ आपका चुनाव है, तो अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगी? यही कहूँगी कि भारी से भारी वोट देके मुझे विजयी बनाएं और इस नए बदलाव को शुरू करें, ताकि हम अच्छे काम कर सकें और एक अपने समाज को, अपने देश को एक अच्छी ऊंची सोच ला सके। मेरा UMP 10 नंबर है और सबसे लास्ट का नंबर है जी। आप अपना नाम बताएं, इस समय कैसा लग रहा है कविता रानी सिंह के साथ प्रचार करते हुए आपको? आप निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में खड़े हैं, जनता के लिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, कोई क्षेत्रीय नहीं, मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे यही है कि जो कार्य नहीं हुए उस पर जीते जाए, वो कार्य पूरे करें जी। जो लोगों से आप, जो जनता से वादा करें, उस वादे को पूरा करें। केजरीवाल साहब की टीम के लिए आप क्या कहना चाहोगे? उन्हें भी लंबे वादे किए थे, क्या पूरी हुई धरातल पे? जब नहीं हुई है तभी तो आई है, क्षेत्र ही लेकर आया इसको जी। विकास के कार्य नहीं हुए, पुराने किए गए चुनावी वायदे चुनावी मुद्दे में तब्दील नहीं हो पाए, वो आज भी जमी की रह गई है। वहीं पे कविता रानी सिंह उतरी हैं जनता के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए। जिंदाबाद का नारा लगाओ। कविता रानी जिंदाबाद, कविता रानी जिंदाबाद, कविता रानी जिंदाबाद, जीतेगी भाई जीतेगी, कविता रानी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, कविता रानी जीतेगी। हमारा